चलिए, यहाँ पर बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी और यहाँ क्या काम हो रहा है सर, इसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने कल हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बसो कल्याण में जो विजय संकल्प यात्रा का उद्घाटन किए, वो यात्रा आज बीदर पहुंचा हुआ है। करीब 15,000 लोग अब यहाँ मौजूद है। 15,000 लोगों का ये यात्रा साई स्कूल के जो ये ग्राउंड है, रोटरी क्लब से लेके अंबेडकर सर्कल से होते हुए, भगत सिंह सर्कल से होते हुए बसवेश्वर चौक तक चले जाएगा। उसके बाद ये यात्रा बीदर दक्षिण क्षेत्र में चले जाएगा। बहुत कार्यकर्ताओं के उत्साह से ये 15,000 से ज़्यादा ये धूप में कार्यकर्ता पूरा उत्साह के साथ ये यात्रा में भाग लेने के लिए आए, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। उसी तरह से अभी दक्षिण में और रात में चिंचोली में जाके यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है। सभी लोग इतना धूप रहे तो भी 2 घंटे से यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 से 15,000 लोग यहाँ मौजूद है। तो क्या क्या स्कीम लेके आ रहे हैं सर, आगे आने वाले वक्त में क्या स्कीम आप तक आवाम तक पहुँचाएंगे? हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजना करा है, जो जनता के लिए काम करे है हमारा नरेंद्र मोदी जी और बसवराज बोम्मई जी, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए हमारा पास स्कीम करे सो है, उसके बारे में हम जनता को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में और प्रदेश में, कर्नाटक राज्य में बहुत मजबूत के सरकार है और अगले चुनाव में भी हम उसी बहुमत और 150 के साथ बहुमत के साथ जीतने की तैयारी कर रहे हैं। वो यात्रा में हम 150 सीट के तैयारी ये यात्रा में कर रहे हैं। सर, मेरा एक अहम सवाल आपको ये है कि 15 साल से बीदर MLA रहीम खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो बीजेपी जिसको भी टिकट दे रही है, क्या MLA रहीम खान साहब जो कांग्रेस को नहीं हरा पा रहे? 15 साल कांग्रेस यहाँ राज करे बोल के आप बोल रहे हैं, डुप्लीकेट वोटों के साथ ये बीदर के रहीम खान यहाँ राज करे है। 12,000 डुप्लीकेट वोट ऑलरेडी कट हुआ है और ये बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने वाला है। कैंडिडेट कौन रहता उसके बारे में नहीं बताते। संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बीदर में अब इतना मजबूत है, रहीम खान को ये बार हार का मजा क्या रहता बोल के हम बताने वाले हैं। विजय संकल्प यात्रा की जय।